हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो अपन ने टॉपिक स्टार्ट किया है लोकगीत, ठीक है। उसमें पहले पार्ट में अपन ने क्या देख लिया, अपन ने श्रृंगार से संबंधित लोकगीत देखे। उसमें क्या देखा अपन ने, सबसे पहले कांगसिया, काजलिया, मूमल और गोरबंद। अब अपन देखते हैं उससे आगे शुभ अवसर पे संबंधित गीत, स्टैम्प्स। यहाँ से आगे क्या चलेगा, स्टैम्प चलेगा, STAMP। एस से शुभ अवसर, टी से अपने त्योहार, एम से मेले और पी से अपने क्या, वेरी गुड। पी से क्या आएंगे, वेरी गुड, पूजा संबंधी, है ना। आओ तो सबसे पहले आप देखते हैं शुभ अवसर, बी शुभ अवसर, है ना। सबसे पहले है बधावा। तो जैसे बधावा जो वर्ड है, बधाई से बना है, तो क्या शुभ कार्य संपन्न होने पर, जैसे मान लो आपका सिलेक्शन हो जाएगा गांव में, आप जब जाओगे तो आपके प्रशंसा में बधावा गार का गीत गाए जाएंगे, है ना। बधावा, बधाई से बधावा। राति जग्गा वेल नोन है, अपन जानते ही है, शुभ अवसर से, शुभ अवसर मनोती पूर्ण होने पर, विवाह पुत्र जन्मोत्सव मुंडन आदि शुभ अवसर पर, मनोती पूर्ण होने पर रात भर जाकर गाए जाने वाले गीत किसी देवता की प्रशंसा में, इनको राति जगह बोलते हैं। लेकिन जो इम्पोर्टेंट है इसके अंदर वो है कुकड़ी, कि राति जगह का जो अंतिम गीत है वो कुकड़ी है, ठीक है। जैसे गाते गाते सुबह हो गई, ठीक है, तो बोलते हैं कि आओ आओ आओ, क्या गा लें, कुकड़ी गा लें, चलो कुकड़ी गा लें, है ना। तो ये कुकड़ी गीत है, राति जगह का अंतिम गीत, कुकड़ी ही लिखा हुआ, राति जगह का अंतिम गीत। एक होती कुकड़ी की रस्म, इसमें क्या है, सांसी जाति भरतपुर के अंदर पाई जाती है, ठीक है। विवाह के अवसर पर लड़की के चरित्र की परीक्षा करते हैं, उसको अपन कुकड़ी की रस्म बोलते हैं, प्रथा के अंदर ही आएगा। तो कुकड़ी गीत अलग है, कुकड़ी की रस्म अलग है। कुकड़ी का गीत रात्रि जगह का अंतिम गीत, कुकड़ी की रस्म सांसी जनजाति भरतपुर, ठीक है। फिर है एक फल चढ़ा, अतिथि के अवसर पर फल चढ़ा, है ना। कोई अतिथि आए, उसके आगमन पे अपन ने ये गीत गाया, फल चढ़ा। यूं समझो कि फल दिया अपन ने अतिथि को उसके आगमन पर, अतिथि, ठीक है, याद रखना है। तो बिना तिथि के आए वो अतिथि, ठीक है, दोनों छोटी, ठीक है। तो शुभ अवसर के गीत हो गए अपने कौन कौन से, बधावा हो गया, राति जग्गा हो गया, कुकड़ी होगी और फलसड़ा हो गया, ओके। देन इसके बाद अपन पढ़ते हैं अगला सेगमेंट की तरफ, वो है अब त्योहार, ST आ गया, त्योहार, त्योहारों से संबंधित लोकगीत। सबसे पहले अपन देखते हैं गणगौर का गीत, जैसा नाम है वैसा ही काम है, गणगौर पर स्त्रियों द्वारा गाया जाने वाला प्रसिद्ध गीत, ठीक है। गणगौर अपन ने चैत्र कृष्ण तिथा पढ़ाई था, चैत्र शुक्ल तिथा, CST, कृष्ण शुक्ल, चैत्र शुक्ल तिथा, भाई कृष्ण पक्ष तो चालू होता है और फिर वो शुक्ल पक्ष में जाके खत्म होता है, ठीक है। तो गणगौर का गीत होगा खेलन दो गणगौर भंवर माने खेलन दो गणगौर। नेक्स्ट है घूमर, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, वैसे अपन इसको क्या पढ़ेंगे, देखो ये अभी अपन गीत पढ़ रहे हैं, तो अभी अपन ये घूमर गीत पढ़ रहे हैं, है ना, घूमर नृत्य के साथ घूमर गीत, बाकी नृत्यों में भी आएगा घूमर नृत्य, राजस्थान का क्या राजकीय नृत्य और राज्य नृत्य, है ना, राजस्थान का राज्य नृत्य, गीतों का अपने नृत्यों का सिरमौर। तो घूमर नृत्य के समय गाया जाने वाला गीत घूमर गीत, राजस्थान के लोक नृत्य घूमर के साथ गाया जाने वाला गीत गणगौर पर, है ना, गणगौर के आयोजन पर घूमर का आयोजन होता है। इसमें होता क्या है, घूमर गीत की विषय वस्तु क्या है, स्त्री द्वारा अपनी माँ से श्रृंगारिक वस्तुओं की मांग की जाती है, है ना। श्रृंगारिक वस्तु आप जानते हो, काजल, बिंदी, टिक्की, पाउडर, मारी घूमर से नखराली है माँ, घूमर रंबवा में जासा, तो घूमर रंबवा वो जाने वाली है कन्या, तो उस एवज में वो उससे पहले अपनी माँ से श्रृंगारिक वस्तुओं की डिमांड करती है, ताकि वो सुंदर दिखे और उसका जो आयोजन है अपने घूमर का वो भव्य रहे। फिर है नेक्स्ट है गुड़ला नृत्य, है ना। तो गुड़ला नृत्य के समय जो गाया जाता गीत वो गुड़ला गीत है, जैसे गणगौर के समय गणगौर गीत, घूमर के समय घूमर गीत, ऐसे गुड़ला नृत्य के समय गुड़ला गीत, ठीक है। और गुड़ला नृत्य तुम पता नहीं कितनी बार बता चुका हूं नारी सम्मान का प्रतीक है ना, नारी सम्मान का भी कह लो, शौर्य का भी कह लो, वीरता का भी कह लो, ऐसे सातल देव ने जो वीरता दिखाई गुड़ले खां को मारा, मुल्ले खां का जो अपने गुड़ले खां को मारा, ठीक है ना, मुल्ले खां जो सेनापति था अपने अजमेर के जागीरदार थे, ऐसे गलती क्या कर दी थी गुड़ले खां ने कि 40 कुंवारी कन्याओं जो गणगौर पूजने गई थी उनका वो अपहरण कर लिया, फिर सातल देव ने तीर से उसका सिर छिद्रित कर दिया था। उसी की याद में अपने गुड़ला नृत्य में क्या कि कन्याएं अपने सिर पर मटकी रखती हैं, उसके अंदर छेद बने रहते हैं, मटकी में दिया जलता रहता है और फिर वो उस गुड़ले खां के सिर की याद दिलाता है। जोधपुर मारवाड़ क्षेत्र में होली के बाद गुड़ला त्योहार चैत्र कृष्ण अष्टमी, है ना, शुक्ल पक्ष से चालू होता है, अष्टमी पे खत्म होता है, असुर पर कन्याओं द्वारा, नायक तो कौन है, मतलब हीरो राव सातल देव जोधपुर शासक, खलनायक कौन है, गुड़ले खां, सेनापति था ये किसका, मल्लू खां जो अजमेर का सूबेदार था उसका सेनापति था गुड़ले खां। युद्ध हुआ कोसाना का युद्ध 1492 में, ठीक है, कोसाना का युद्ध, स्थान कहाँ है ये, कोसाना कहाँ पड़ता है, स्थान पीपाड़ गांव,
जोधपुर से अपन जयपुर की तरफ चलते हैं ना तो आता, बाकी रेलवे स्टेशन भी आता पीपाड़ रेलवे स्टेशन जोधपुर से, जैसे राई का बाग फिर पीपाड़ रेलवे स्टेशन, ऐसे करीबन घंटे भर बाद पीपाड़ गांव। तो पीपाड़ गांव में है कोसाणा का युद्ध, कोसाणा 1400 में, ठीक है ना। किन किन बीच में? राव सातल देव और गुंडे खां के बीच में। कारण क्या था? गणगौर पूछती 140 कुमारी कन्याओं का अपहरण कर लिया था किसने? गुंडे खां ने। तो गुंडे खां को नानी याद दिला दी किसने? राव सातल देव ने, जो कौन थे? जोधपुर के शासक। इसी प्रशंसा में, इसी प्रशंसा में मनाया जाता है अपना क्या? गुड़ला त्योहार चैत्र कृष्ण अष्टमी को। त्योहारों में देखा था डिटेल में, तो त्योहारों के हो गए है ना। त्योहारों के तीन देखे अपन ने, गणगौर, घूमर, गुड़ला। ओके वेरी गुड। नेक्स्ट अपन आ गए एसटी, एस आ गया शुभ अवसर, टी आ गया त्योहार, अब आ गया एम मेला, मेले है ना, मेला, मेला दिलों का है ना ये मेला। तो मेले में जो गीत गाया जाता है वो सबसे फेमस है पंछीड़ा, पंछीड़ा है ना। किस क्षेत्र में? हाड़ होती वो ढूंढाड़, क्षेत्र याद रखना अपने को, ठीक है। जैसे भी अपन गुल्ला नृत्य मारवाड़ है ना, ऐसे ही अपने पंछीड़ा गीत हाड़ोती और ढूंढाड़ में, ठीक है, पंछीड़ा, ठीक है, मेलों के अवसर पर गाया जाता है। वाद्य यंत्र जो बजता है अलगोजा, अपन देखेंगे अपने ये राज्य का वाद्य यंत्र है अलगोजा, ठीक है, सुशीर है, फिर ढोलक और मंजीर है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट जो इसके अंदर है पंछीड़ा गीत, बिजोलिया किसान आंदोलन 1897 से 1941 तक चला, 44 साल तक, ठीक है ना। ये पूरे भारत का सबसे लंबा चला कृषक आंदोलन है, ठीक है, कब? 44 साल चला, 1897 से लेके 1941 तक, 44 साल, ठीक है ना। वैसे तो चालू तो क्या विजय सिंह पथिक, ठीक है, लेकिन बाद में जब इसको पराकाष्ठा पे पहुंचाया वो माणिक्यलाल वर्मा, और माणिक्यलाल वर्मा द्वारा जब इसका आयोजन किया जाता था तब ये पंछीड़ा गीत माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा गाया जाता था, बिजोलिया किसान आंदोलन, ठीक है ना। ऐसे बेगू, बिजोलिया, जो अपने किसान आंदोलन पढ़े, वीडियो भी पढ़े हुए यूट्यूब पे मैंने जो डाले हैं उसके अंदर काफी अच्छे से मैंने बता रखा है, ठीक है। तो बिजोलिया किसान आंदोलन तो कई बार आता है ये पंछीड़ा गीत का संबंध इनमें से किस किसान आंदोलन से है, या बिजोलिया किसान आंदोलन का संबंध इनमें से किस गीत से है? तो पंछीड़ा, ठीक है, याद रखना आप लोग, ठीक है। ये है फिर मेला हो गया। फिर अब पूजा से संबंधित जो लोग गीत देखते हैं, सबसे पहले है चिरजा, है ना। ये क्या है? चिरजा लिखा हुआ है, ये चिरमी नहीं है, चिरमी विरह गीतों में आएगा, ये चिरजा है, ठीक है। चिरजा, 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 लोक देवियों का भजन, देवियों का, ठीक है ना, लोक देवियों का भजन चिरजा। फिर इसमें क्या है, जो सबसे लंबा चिरजा है वो किस लोक देवी का है? जीण माता का चिरजा। ये कुछ कुछ ऐसे भी था कि सबसे लंबा जो भजन है उनमें से किस लोक देवी का है? तो जीण माता का, अपन ने देवियों में पढ़ा था जीण माता, रेवासा सीकर, खारे पानी की झील भी है रेवासा और वही जीण माता का मंदिर है, ठीक है। फिर अपन देवताओं से संबंधित कुछ देखते हैं। चिरजा वैसे देवियों से संबंधित होते हैं लेकिन कुछ गीत देखते हैं जो लोग देवताओं से जमीन बात आ गई, तो जैसे तेजा गीत या तेजा टेर है, किसान फसल बोने से पहले अच्छी फसल की कामना के लिए गाता है, त्योहारों में भी देखा था अपने तेजा पे, ठीक है। और अपने हल पे नौ गांठों वाली राखी बांधता है तो तेजा गीत, तेजा टेर, ठीक है। ब्यावले, ब्यावले क्या होते हैं? रामदेव जी के भजन है, बताया था मैंने अपने को जब लोक संत पढ़े थे, पहला टॉपिक था रामदेव जी, मतलब लोक संत था पहला, उसमें पहरा घूमा बाबूजी रामदेव जी को मांग लिया, उसमें ब्यावले अपने देखे रामदेव जी को भजन आता है क्वेश्चन, ब्यावले। पावंडे क्या है? पावंडे बाबू जी के थोरी जाति के भक्तों द्वारा गाए जाने वाले भजन है, और उसमें जो वाद्य यंत्र यूज किया जाता है वो है माठ, ठीक है, आएगा, ठीक है। जैसे अपन ने देखा देवनारायण जी के क्या, कौन सा वाद्य यंत्र? जंतर, ऐसे बाबू जी का माठ, ठीक है, ब्यावले, रामदेव जी के भजन। नेक्स्ट है लांगुरिया, लांगुरिया गीत केला देवी है ना, अपने करौली के अंदर है, उनकी प्रशंसा में गाए जाते हैं, ठीक है। तो सबसे लंबा चिरजा अपने जिन माता, लांगुरिया, केला देवी, ठीक है, ब्यावले, रामदेव जी और अपने बाबूजी वाले पावंडे, समझ गए। तेजा गीत किसान फसल बोले बोते समय, समझ गए। तो ये टोटल हो गए अपने 1 2 3 4 अलग से लिखे हुए हैं, तेजा गीत, ब्यावले, पावंडे और वेरी गुड लांगुरिया। फिर लांगुरिया नीचे भी आ रहा है, यहां देखते हैं लांगुरिया, लांगुरी क्या है? लांगुरिया क्या है? करौली क्षेत्र की कुल देवी कैला देवी की आराधना के लिए गाए जाने वाले गीत। करौली क्षेत्र में शीतला माता के पूजन के साथ ही लांगुरिया पूजन भी होता है, ठीक है ना। शीतला माता वैसे चाक्षु अपने है ही है ना, लेकिन उसके अलावा भी मंदिर अपन करौली में भी देखते हैं। नेक्स्ट है हरजस गीत, हरजस है ना, पूजा वाले चल रहे हैं, पूजा में सबसे पहले चिरजा देखे फिर लांगुरिया देखा, अब देखने हरजस, हरजस महिलाओं द्वारा गाए जाने वाले सगुण लोकगीत, मतलब सगुण भक्ति, मतलब सगुण है
है ना, दयालु है, कृपालु है, जिसकी मैं पूजा करूंगा मूर्ति के रूप में। तो महिलाएं तो है ना सगुण भक्ति गीत, राम और कृष्ण की लीलाओं का वर्णन होता है इनके हरजस, ठीक है ना, हरजस भक्ति गीत है, क्वेश्चन आता है। फिर क्या है, वृद्ध की मृत्यु पर भी हरजस गीत गाए जाते हैं, ठीक है ना, हरजस गीत वैसे तो अपने लोक देवियों के संदर्भ में, लेकिन वृद्ध की मृत्यु पर भी गाए जाते हैं हरजस गीत। फिर देखो मृत्यु संबंधी ये दो चीजें लिखी हुई है। कांगड़ी की रात क्या होता है, मतलब जैसे कल बारवा है, उससे पहले क्या होता है, रात को भजन कीर्तन होता है, उसको अपन कांगड़ी की रात या कांगड़ी के भजन बोलते हैं। मृत्यु के 11वें दिन रात को होने वाला जो भजन कीर्तन होता है उसको अपन कांगड़ी बोलते हैं, ठीक है ना। अभी कुकड़ी देखा था अपन, कुकड़ी क्या था, रात्रि जगह का अंतिम भजन, यह है कांगड़ी, गुरुकुल कांगड़ी मत कर देना, कांगड़ी। फिर है सांकड़ी की रात, है ना, विवाह फेरे से ठीक पहले पहले रात को, जिसमें मेल की रस्म होती है, उस दिन जो महिलाएं गाना गाती हैं, भजन करती हैं, भजन तो नहीं वो गाने ही वालों लोकगीत ही गाए जाते हैं, उसको अपन बोलते हैं सांकड़ी की रात, ठीक है, ये सांकड़ी की रात। तो अपन ने क्या देखा, कुकड़ी देख लिया रात्रि जगह का अंतिम गीत, देन क्या देखा अपन ने, कांगड़ी देखा, 11वें दिन को जो भजन होता है मृत्यु के 11वें दिन जो भजन होता है वो क्या है, कांगड़ी के भजन, कांगड़ी की रात, और सांकड़ी की रात मेल वाले दिन, मतलब अगले दिन फेरे उससे पहले जो है वो अपन सांकड़ी की रात, ठीक है ना, ये है। और हरजस गीत महिलाओं द्वारा सगुण भक्ति, ठीक है, रामकृष्ण प्रशंसा में, और हरजस गीत मृत्यु पर भी गाए जाते हैं, समझ गए। फिर है पंच डालियों, पंच डालियों से मतलब क्या है, पांच देवताओं का सम्मिलित गीत, जिसमें किन्हीं भी पांच देवताओं को याद कर ले, जैसे अपन पैरागोरा गोमा को याद कर ले, पापू जी गणपति जी रामदेव जी गुगा जी मैया मंगलिया, तो वो क्या हो जाएगा, पंच डाली आ जाएगा, पांच। जकड़ी क्या है, ये इस्लाम धर्म से संबंधित है, जकड़ी इस्लाम धर्म में पीरों को प्रसन्न करने के लिए गाए जाने वाले जैसे जो मतलब भजन टाइप है उनको अपन क्या बोलेंगे, जकड़ी, ठीक है ना, पीरों से संबंधित है, पीर इस्लाम में, ठीक है, ये है। तो अपन ने पूजा के अंदर क्या क्या देखा, अपन ने सबसे पहले क्या देखा, चिरजा देखे, देन लांगूरिया देखा, करौली माता और सॉरी करौली में केला कुल देवी, ठीक है, केला देवी, देन हरजस देखे अपन ने रामकृष्ण की प्रशंसा में, और वृद्ध की मृत्यु पर भी, वृद्ध की मृत्यु है ना, वृद्ध की मृत्यु। पंच डालिया पांच की प्रशंसा में, पांच लोक देवताओं की प्रशंसा में, ठीक है, और जकड़ी इस्लाम धर्म से संबंधित, समझ गए। ये थे अपने पूजा संबंधी। तो अपन ने क्या क्या देखा, अपन ने शुभ अवसर पे देखा, अपन ने त्योहार पे देखा, अपन ने मेले में देखा पंचेड़ा, अपन ने पूजा में देखा चिरजा, लांगुरिया, हरजस, जकड़ी, पंच डालियो, समझ गए ऐसे, ठीक है। तो ऐसे वैसे इनको यूं थोड़ा सा फैक्ट के रूप में याद रखो, इसके अंदर इतना ही है, इसके अंदर ज्यादा डीप जाने से कुछ है भी नहीं, कुछ गहराई में क्या, ऐसा नहीं कुछ छोड़ रहे हैं, कुछ नहीं छोड़ रहे, सारी चीजें आ रही। अब वर्षा ऋतु देखते हैं नेक्स्ट, वर्षा ऋतु में हिंडो या हिंडलियो, हिंडलियो है ना, हिंडो अपन जानते हैं झूले को बोलते हैं, हिंडा, हिंडा झूला, ठीक है। तो श्रावण मास में महिलाएं झूलाते समय जो गीत गाती हैं, झूला झुलाते समय जो गीत गाती हैं उसको हिंडो बोलते हैं, कि धक्का भी देते रहते हैं और गाना भी गाते रहते हैं, जिससे कि वो सावन का भरपूर आनंद लिया जाए। और जो साड़ी पहनेंगे वो कौन सी, लहरिया साड़ी, पीपली है ना, पीपल होता है उसका जो छोटा रूप है वो पीपली है, ठीक है। शेखावटी और मारवाड़ के अंदर गाया जाता है, स्त्रियों द्वारा वर्षा ऋतु में गाया जाने वाला विरह गीत है ये, तो वैसे पीपली उधर भी आएगा और विरह गीत में भी जोड़ा हुआ अपन ने, कोई बात नहीं, यहाँ लोड़ा यहाँ लिखा हुआ तो यहाँ भी देखना, पीपली विरह गीत की, पीपली को सावन में जैसे मान लो प्रियतम नहीं मिल पाया प्रेयसी से, तो वो पीपली को याद करती है अपने प्रियतम के रूप में, ये पीपली गीत है, ठीक है, अपने सावन में, ठीक है। तो छोटी तीज है ये अपने एस एस टी, श्रावण शुक्ल तृतीया, एस टी मतलब अपने ये छोटी तीज, स्मॉल तीज से कुछ दिन पूर्व गाया जाता है ये, पीपली, पीपली का छोटा रूप होता है, और विरह गीत है पीपली, है ना, पीपली, आई एम फीलिंग अलोन पीपली, समझ गए ऐसे है। विरह गीत वाली लिस्ट में भी जोड़ लेना है इसको पीपली। फिर है पानी, पानी से संबंधित क्या है, सबसे पहला है इंडोनी। तो इंडोनी क्या होता है, जैसे आप सभी जानते ही हैं, नहीं जानते तो कोई नहीं, ऐसा ये गोल, ये वस्त्र से बना हुआ कपड़ा होता है, मतलब ये गोल, ठीक है, गोल बना लिया अपने, सर्किल के रूप में गोल होता है, उसको सिर के ऊपर रख लिया, जिससे कोई भारी वस्तु का रखे तो वो सिर पे मतलब एडजस्ट हो जाए, गिरे नहीं, ना तो सिर में पेन हो, गड़े नहीं हो, और ना ही वो अनबैलेंस हो, बैलेंस भी बना रहता है उससे, ये इंडोनी का कार्य होता है, ठीक है। तो इंडोनी क्या है, सिर पर बोझ रखने हेतु सूत मूंज नारियल की, नारियल के जट व कपड़े से बनाई गई गोल चक्री, इसके द्वारा पानी भरकर ले जाते समय अपने अपने इंडोनियों की प्रशंसा की जाती थी। अब सोचो ऐसा ये क्यों हुआ होगा, अब आप याद करो, मैंने आपको बताया था कि गोरुमंद कैसे आया, भाई वो गूंथते समय तो बैठे बैठे क्या करें, तो ये पानी भरने जैसे जाते है ना, तो वो आज की तरह नहीं था, मोटर भर लिया चला लिया, बार बोरिंग से भर लाया पानी, या हैंडपंप खसखस चलाया और भर लिया पानी,
पहले चार चार पांच पांच किलोमीटर दूर बढ़ने जाया करते थे पानी, कुएं हुआ करते थे, है कि नहीं है? ये पीढ़ी तो जानती नहीं कुएं होते क्या है, ठीक है ना? कुछ नजीब है तो देख लेते कुएं, ज्यादा ज्यादा बोरिंग देख लेते हैं, है कि नहीं है? कुएं, तो कुएं, ठीक है, तो कुओं से लाया जाते थे चार चार पांच पांच किलोमीटर दूर। तो पहली बात तो वो दूरी, समझ गए? फिर दूरी, चाहे दूरी कह लो चाहे मजबूरी कह लो, है कि नहीं है? वो दूरी पहली बात, तो दूसरी बात वो धूप, तीसरी बात वो ऐसा तो है नहीं कि जाएगी वो एक एक जगह भर के सिर पे ऊपर रख लाएगी, समझ रहे हो? कम से कम तो एक तो है ही है, उसके ऊपर मटके, फिर वो जो छोटे मटके दो उसके ऊपर रख रहे थे, तीन मटके, और यूं बिल्कुल यूं हाथ में, देखे होंगे आपने कई जगह सीन, है कि नहीं? ऐसे यूं मटके रखे, समझ गए? आप अंदाजा लगा सकते हो ना, तो वो गीत किस कैसे गाती है भाई? उसको वो पेन कुछ नहीं है भाई, उसको तो सेवा दिख रही है, लेकिन वो रास्ता भी काटना है 3 किलोमीटर का, वो जो पेन हो रहा है उसको भी अनदेखा करना है, 2 मिनट ऐसे हाथ करके खड़े रहो, पता लग जाएगा आपको, वो तो पूरे रास्ते वो उसको पकड़े भी हुए, 3 मटके, 1, 2, 3, पेन तो पेन, और फिर वो वजन देख लो आप, मड़ा मटका और उसके ऊपर 2 छोटे मटके, है कि नहीं है? तब गाया जाता है क्या, इंडोली गीत, वो देखो मेरी इंडोली, है कि नहीं है? जो मतलब मेरे सिर को बचाए रखी है और मुझे कोई पेन नहीं होने दे रही, है कि नहीं है? और वो सब वो गाना गाती गाती पानी भर के लेके आती है, कब घर आ जाता है, कब 4 किलोमीटर निकल गए पता ही नहीं चलता। यही तो मतलब सुंदरता है किसकी, लोकगीतों की, तो अपने जो मन के भाव है बिल्कुल सहज रूप से अभिव्यक्त किए, ये है इंडोली, समझ गए? वेरी गुड, तो भाव समझो, फील। नेक्स्ट है पनियारी, ठीक है, पनियारी, पनियारी है ना, पनियारी, पनियारी क्या बोलते हैं? पनियारी जो अपने को पानी भरने, मतलब कुएं पे जैसे जो पानी भरने जाती हुई जो स्त्री होती है ना, पानी भर के जो लारी होती है, जारी होती है, उसको अपन बोलते हैं पनियारी, पनियारन, जैसे प्याऊ में भी के ऊपर लिखा रहता है पनियारी, पानी पिलाने वाला, ठीक है? पानी भरते समय पानी भरने वाली स्त्री को पनियारी कहते हैं, स्त्री को पतिव्रता रहने का बताया गया इसके अंदर, है ना? पतिव्रता मतलब वो पानी भरने जाती है, कुछ मंचले युवक उसको मतलब कमेंट करते हैं, छेड़ते हैं, फिर वो संदेश देती है सारा, ऐसे नहीं नहीं ऐसे, फिर वो पतिव्रता रहने का सबको शिक्षा देती है। तो ये है पनिहारी इनका अपने लोकगीत, ठीक है? तो पानी से संबंधित 2 हो गए इंडोनी और अपने पनिहारी, वर्षा संबंधित 2 हो गए हिंडो और पीपली, पीपली कंपेरेटिवली विरह गीत है लेकिन वर्षा ऋतु में गाया जाता है अपने श्रावण शुक्ल, समझ गए? ये था, ओके। अब यहां तक अपन ने क्या कर लिया, जो मैंने आपको पहली लिस्ट दिखाई थी उसमें जो पहला सेगमेंट था वो अपन ने पूरा कर लिया, है कि नहीं? स्टैम्प्स, स्टैम्प्स के बाद वर्षा और पानी थे, ये 2 आ गए। अब उसके बाद अपन बढ़ते हैं आगे प्रेम गीत, प्रेम गीत आप समझ गए, दिल करता है इलू इलू, ये वही आ गए प्रेम गीत समझ गए? ऐसे तो सबसे पहला प्रेम गीत अपन, सॉरी, सबसे पहला प्रेम गीत अपन देखते हैं कौन सा, ढोला मारू, सबसे पहला प्रेम गीत अपन देखते हैं ढोला मारू। तो देखो अपने ढोला मारू की प्रेम कहानियों का चित्रण देखा था, वो तो अपन ने नो डाउट अच्छी तरह ध्यान है आपको जोधपुर देखा था, लेकिन अब आप यहां पढ़ रहे हैं, अपन क्या पढ़ रहे हैं, ढोला मारू लोकगीत के रूप में देख रहे हैं, है ना? तो याद रखना ये गीत है इस समय, ठीक है? तो ये सिरोही का प्रेम गीत है ना, कहां का, सिरोही का, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, जोधपुर नहीं कर देना है कहीं, आप देखो हर जगह ढोला मारू चिपका दो, अरे ढोला मारू चित्रण ही जोधपुर, जैसे केवल मुमल का चित्रण जैसलमेर था, लेकिन मुमल और महेंद्र का चित्रण जैसलमेर नहीं है, वो जोधपुर है, ऐसे ही ढोला मारू का चित्रण जोधपुर है, लेकिन ढोला मारू जो लोकगीत है, प्रेम गीत है, वो कहां है, वो सिरोही में ही है, जहां की क्या फेमस थी, तैल है वारे कारदिया सर, याद आया? और इसे क्या, इसे दाढ़ी जाति के गायक गाते हैं, है ना? तो जैसे सिर काट दिया तलवार से तो दाढ़ी वाड़ी रह गई, यूं याद रख लो, तो दाढ़ी जाति के लोग गाते हैं कौन सा, ढोला मारू, तो डे से ढोला मारू, डे से दाढ़ी, डे डे भी लिख लो, डे 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 ढक्कन, ठीक है, समझ गए? इनमें ढोला मारू की प्रेम कथा का वर्णन है, तो मैंने आपको प्रेम कथा तो चित्रकला में समझाई थी, सिखाई थी पूरी, कच्ची मिट्टी का गड़ा कैसे धोखा उसकी दिलवा देती है, वो सारा है ही, ठीक है? फिर देखो ये क्या है, जैसे ये अपने ढोला जो है ना, ये अपन दूल्हे राय जो पढ़ते हैं आमेर में, उससे लिंक्ड है, ठीक है ना? वो बताया जाता है, तो ढोला नरवर मध्य प्रदेश का था शासक, फिर ये दोसा होते हुए फिर ये आमेर आता है, ठीक है? दोसा, दोसा से फिर आमेर, और ये दूल्हे राय के रूप में आमेर का शासक बनता है। और मारू कौन थी, ये पुंगल, बीकानेर का प्राचीन नाम है पुंगल, जांगल प्रदेश है ना, पुंगल बीकानेर
ये ढोली जाति की महिला थी, इसलिए ये डाडी जाति के व्यक्ति ही ये भजन मतलब प्रेम गीत गाते, भजन नहीं सॉरी प्रेम गीत गाते, समझ गए। तो ये ढोला मारू ही ये दूल्हे रहा था, समझ गए अपने आमिर के साथ साथ। तो ये था आपने पहला प्रेम गीत ढोला मारू संबंधित जो फैक्ट्स इंपॉर्टेंट दो। पहला तो क्या कहाँ गाते हैं, सिरोही के अंदर, किस जाति के, डाड़ी जाति के, और ढोला का जो है वो क्या है, वो दूल्हे राय से ही समानता बैठाई गई। और मारू कहाँ की राजकुमारी, पुंगल देश की, जैसे मूमल कहाँ की थी, रोदरवा जैसलमेर की, मारू कहाँ की, अपने पुंगल बीकानेर की, ठीक है। ये फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं रसिया, है ना, रंग रसिया श्याम रंग मत डालो रे रसिया, तो रसिया भी क्या है, प्रेम गीत है, कृष्ण जी राधा कृष्ण के संबंध में जो है वो प्रेम, वो रसिया है, ठीक है। रसिया जैसे कई कहते हैं अरे यार आज तो बड़े रसिया लग रहे हो, है ना, ज्यादा प्रेम भरी बातें करते हो, तो ये अपने कहा मेवात क्षेत्र अलवर भरतपुर अलवर ब्रज प्रदेश भरतपुर और अलवर मेव प्रदेश इस जरिए गाए जाते हैं रसिया। कई बार इनको बम रसिया भी बोलते हैं, तो बम तो क्या, बम नृत्य होता है, अपन पढ़ेंगे ब्रज प्रदेश के अंदर, तो उसको बम रसिया बोल देते हैं, तो बम तो नृत्य हो रहा रसिया गा रहे हैं, वही रसिया कभी सुना होगा आपने, रंग रसिया साम रंग मत डारो रे डारो है, वो रसिया होली पर आ गया, रंग मत डालो रे है रसिया, यू सुनो गाना। नेक्स्ट है लावणी, तो लावणी जैसे आपको ध्यान है लावणी अपन जैसे खेत में करते हैं तो फसल काटने को लावणी बोलते हैं, तो उसमें भी क्या होता है, बुलावा दिया जाता है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ मेरे खेत की फसल पक्के तैयार है, सब मिलके काटते हैं, मैं भी तुम्हारे आऊंगा, मैं भी तुम्हारे आऊंगी, ये लावणी। लावणी का मतलब बुलाने से है, ठीक है, फसल पक गई सबको बुला रहे हैं, नायक द्वारा नायिका को बुलाने का अर्थ में लावणी गाई जाती है, या अपने प्रेम के अंदर बुला रहे हैं, आ जाओ अब से नहीं होता प्रेम, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ये श्रृंगारी गीत है, प्रेम प्रेमिका व भक्ति भगवान कृष्ण भरतरी की लावणी प्रसिद्ध है। भाई प्रेम जरूरी थोड़ी ना है कि अपन उसी संदर्भ में देखें, ठीक है, कि भाई स्त्री पुरुष, भाई भगवान के प्रति भी प्रेम होता है, माँ बाप के प्रति प्रेम होता है कि नहीं है, तो प्रेम तो भाई समय काल और आपकी मानसिकता से बंधा हुआ नहीं है, प्रेम इज प्रेम डाई अच्छा है कि नहीं है। फिर अपन देखते हैं मोर मोर ध्वज भरतरी आदि की भी लावणियां फेमस है। अब मोरध्वज वाली लावणी क्या है, मैं आपको बताऊं, वो राधा कृष्ण वाली है लावणी, मोरध्वज नियालचंद नागरी दास मणिटणी याद है वो, ठीक है, तो वो मोरध्वज से संबंधित अपने राधा कृष्ण की लावणी से। तो लावणी का मतलब क्या, बुलाने से है, ठीक है, बुलावा प्रेम जो बोलते हैं ना कि डोर खींच ली माता रानी डोर खींचेगी, तो यहाँ पे डोर कौन खींच रहा है, जो जो प्रेम की तरफ जो दोनों पार्टियां हैं उनके बीच में जो एक भाव है वो डोर खींच, समझ गए ऐसे। तो ये लावणियां हो गई। नेक्स्ट है हमसीड़ो, काफी क्वेश्चन आया हुआ हमसीड़ो, तो जैसे आपने देखा होगा जैसे हम तो हम है और सीड़ो मतलब तुम हो गए, ठीक है, तो मेवाड़ में बिलों का प्रसिद्ध लोकगीत है, क्वेश्चन पूछते हैं ये कहाँ का है ना, तो जगह याद रखो आप, जैसे अपन थोड़ी देर पहले देखा था रसिया कहाँ का था, ब्रज प्रदेश, ठीक है, अभी अपन देखा लावणी, तो ये कोई ऐसे जनरलाइज नहीं है, तो जो जो प्रदेशों का नाम आ रहे हैं वो ध्यान रखना है। ऐसे अपन देख रहे हैं हमसीड़ो, तो ये क्या है, मेवाड़ का क्या है, प्रेम गीत है, भील जनजाति में, भील इंपॉर्टेंट, बहुत पूछा गया है हमसीड़ो, तो हम तो हम है, मैं है ना, हम तो मैं और सीड़ो मतलब तुम, तो आपने जो गाना नहीं सुना मैं और तुम जो हम हो जाते हैं, फिर कुछ आगे तो मुझे ध्यान नहीं जाता कि दर्द दिलों के कुछ कम हो जाते मैं और तुम जब हम हो जाते है, तो ये वही हमसीड़ो है, समझ गए, तो मेवाड़ की भील जाति, समझ गए, भील जनजाति, ठीक है ना, ये प्रसिद्ध लोकगीत है, स्त्री और पुरुष साथ मिलकर गाते हैं, हमसीड़ो है भी, मैं और तुम जब हम हो जाते तो हमसीड़ो गाते है कि नहीं, मेवाड़ भील। नेक्स्ट है बिछोड़ो, है कि नहीं, गाना सुना होगा आपने इलेवन वाले डस गए पापी बिछोड़ा बिछोड़ा बिछोड़ा, देखो तो इसमें क्या होता है, महिला को बिच्छू काट गया, अब उसको पता है मैं ज्यादा जिंदा तो रहूंगी नहीं, तो वो अपने पति को समझाती है जी कोई बात नहीं, जितना टाइम निकला अपना अच्छा था, अब मैं ज्यादा नहीं लिखी थी आपकी किस्मत में है कि नहीं, तो मैं तो जा रही हूं, लेकिन तुम मेरे वीरे में परेशान मत हो ना, कोई बात नहीं तुम दूसरी शादी कर लेना और उसी में मेरे को देखना है कि नहीं, तो ये बिछोड़ा है, देख लो अब स्त्री का मन देखो, जाते जाते भी ये नहीं कि नहीं नहीं अब नहीं बस मेरे अलावा किसी को तुम मत चाहना, किसी से प्रेम मत करना, दिल देखो, दिल दरिया नहीं समंदर है, किससे पता चलता है, बिछुड़ा गीत से। हाड़ौती क्षेत्र का लोकप्रिय गीत है, ठीक है, अभी अपन इससे पहले हाड़ौती का और देखा था, ये क्या माणिक्यलाल वर्मा, क्या बिजोलिया, क्या पंछीड़ा, हाड़ौती ढूंढाड़ देखा था ना, ये हाड़ौती का दूसरा आ गया बिछोड़ा, तो यूं समझ लो पठारी प्रदेश में बिच्छू ज्यादा मिलते हैं, हाड़ौती का पठार है ना, तो वहां पे पंछी भी ज्यादा उड़ते हैं,
पंचेड़ा हो गया, बिच्छू भी ज्यादा मिलते हैं पठारी प्रदेश। पठारी प्रदेश क्या होता है? टेबल न्यूमा भाई, ये तो मैदान हो गए है कि नहीं है, ये घाटियां हो गई, फिर ये पठार हो गए है कि नहीं है, ये ऐसे ठीक है। तो हाड़ौती, हाड़ौती का प्रसिद्ध, हाड़ौती क्षेत्र का लोकप्रिय गीत है क्या, बिछुड़ा। पत्नी जिसे बिच्छू ने डस लिया है और मरने वाली है, अपने पति को दूसरा विवाह करने का संदेश देती है। मैं तो मरी होती राज, खा गयो बेरी बिछुड़ो। राज मतलब राजकुमार मंजारी हूं। इलारून का गाना काफी अच्छा फेमस, सुनो, समझ गए। तो ये थे अपने क्या, प्रेम गीत, प्रेम गीत ठीक है। प्रेम गीत कौन कौन से देखे, डोला मारू देखा, रसिया देखा, बम प्रदेश, बम नृत्य अपने भरतपुर, देन लावणी देखी, देन हमसीड़ो देखा, मैं और तुम जो हम हो जाते, एंड लास्ट में बिछुड़ो देखा ठीक है। हमसीड़ो बिछुड़ो है ना, रोड़ो हमसीड़ो बिछुड़ो, याद करो ओके। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं विरह से संबंधित गीत, कैसे विरह। विरह आप समझ ही गए, विरह का मतलब क्या, कि विरह का मतलब कि अब रहा नहीं जा रहा, आओ प्रिय आओ ओके। तो अब देखेंगे विरह के नेक्स्ट में।